2024 PTI का बेहतरीन साल होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जीतेंगे और टू थर्ड मेजोरिटी के साथ आएंगे। बड़ी कोशिश की जा रही है कि हमसे सब कुछ लिया जाए, लेकिन इंशाल्लाह ये आवाम की आवाज है, कोई कुछ नहीं ले सकेगा। जैसे भी बड़ा जल करेंगे इंशाल्लाह ताला कन्वेंशन हम अरेंज करा रहे हैं। कन्वेंशन तो काफी ज्यादा मुतासर नहीं होगी शेर अफजल साहब के जाने के बाद? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मुतासर नहीं होंगे, शेर अफजल भी पार्ट ऑफ इट होगा, लेकिन कन्वेंशन के लिए बैरिस्टर साहब आज जो है वो आपका कोर्ट में जो है वो था, हाई कोर्ट में शेर अफजल मरमत साहब के हवाले से जो है ना वो केस की समाप्त थी, तो सर उसका क्या बना और शेर अफजल मरमत साहब निकल आएंगे? कमीशन से अभी निकले और मेरे पास शेर अफजल मरमत के लिए पीटीआई की बड़ी नहीं सी आवाज है, खुल के पीटीआई में कोई आवाज नहीं उठ रही। शेर अफजल मरमत ने जिंदा किया पार्टी को, पीटीआई जो है ना, पीटीआई ने हर फोरम पे उसके लिए आवाज उठाया। सबसे पहले मैंने किया है, बाकी ने भी किया, सारी लीडरशिप ने किया, ट्विटर भी किया, फेसबुक भी किया और हमने प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई धरना वो कल सर आपकी तरफ से कोई कुछ भी ऐसा कोई होना चाहिए सर, कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर दावा खान सर मौजूद थे, दावे के बाद सपोज को चिन्हन इलेक्शन कमीशन की कवर कार्रवाई से जो कुर्बानियां दी है, जितने लोग आ गए, जिसकी पॉपुलरिटी बनी है, लोगों में जो बेदारी आई है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, तो ये बेहतरीन है। इंशाल्लाह ताला 2024 का साल कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला 2024 पीटीआई का बेहतरीन साल होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जीतेंगे और टू थर्ड मेजोरिटी के साथ आएंगे। बड़ी कोशिश की जा रही है कि हमसे सब कुछ लिया जाए, लेकिन इंशाल्लाह ये आवाम की आवाज है, कोई कुछ नहीं ले सकेगा इंशाल्लाह। अगर बल्ला नहीं मिलता तो इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या कोई आजाद उम्मीदवारों का कोई पैनल बनाया है? कोई हिम्मत नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप तसल्ली रखें, आदलिया इंतजाम करेगी। हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम हैं और इंशाल्लाह सर बताइए, आज हाई कोर्ट वालों ने एक रैली का इनका किया वकला ने, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे शेर अफजल मरमत के हवाले से? नहीं, मैं मुझे अभी इसका पता नहीं आया, हियरिंग का बताएंगे इलेक्शन कमीशन का बजाहिर। अब क्या आपको लग रहा है फैसला कब तक आएगा और क्या फैसला मुमकिन? आप देखिए, मैं अच्छी की उम्मीद कर सकता हूँ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया रात को ऑनलाइन? अभी मैं आपको ये बताता हूँ, एग्जैक्ट फिगर बताऊँ, एग्जैक्ट फिगर ना मैं अभी एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। 1.4 मिलियन फेसबुक पे, 1.6 मिलियन यूट्यूब पे, 1 मिलियन ट्विटर। लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं लेते इंटरनेट की बंदिश में क्या कहेंगे? देखिए ये नहीं मुनासिब, ये पब्लिक की आवाज है, लोगों को करना चाहिए। और ये सब तो कहते हैं आज है मुनाजिर, पंजाब में हमारा सबके साथ मुहाफ़िज़ को पाकिस्तान का पाकिस्तान किसी इधारे किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, आप कैंपेन का हो गया बतौर चेयरमैन कैंपेन का से शुरू कर नेक्स्ट हो गया 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 नेक्स्ट गोरेली खान साहब, आप जलसा कब करेंगे? जलसा ऑनलाइन जलसे के बाद आप फिजिकल जलसा कब करेंगे? कोर्ट में जो है वो था, हाई कोर्ट में शेर अफजल मरमत साहब के हवाले से जो है ना वो केस की समाप्त थी, तो सर उसका क्या बना और शेर अफजल मरमत साहब निकल आएंगे? कमीशन से अभी निकले और मेरे पास शेर अफजल मरमत के लिए पीटीआई की बड़ी नहीं सी आवाज है, खुल के पीटीआई में कोई आवाज नहीं उठ रही। शेर अफजल मरमत ने जिंदा किया पार्टी को, पीटीआई जो है ना, पीटीआई ने हर फोरम पे उसके लिए आवाज उठाया। सबसे पहले मैंने किया है, बाकी ने भी किया, सारी लीडरशिप ने किया, ट्विटर भी किया, फेसबुक भी किया और हमने प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई धरना को कल सर आपकी तरफ से कोई कुछ भी ऐसा कोई होना चाहिए सर, कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर दावा खान सर मौजूद थे दावे के बाद सपोज को चिंगन इलेक्शन कमीशन की कमर कार्रवाई से फिजिकल जैसे भी बड़ा जल करेंगे इंशाल्लाह ताला कन्वेंशन अरेंज करा रहे हैं। कन्वेंशन तो काफी ज्यादा मुतासिर नहीं होंगे शेर अफजल साहब के जाने के बाद? नहीं नहीं था इंशाल्लाह मुतासिर नहीं होंगे, शेर अफजल भी पार्ट ऑफ इट होगा लेकिन कन्वेंशन के लिए। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। अगर बल्ला नहीं मिलता तो इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कोई आजाद उम्मीदवारों का कोई पैनल बनाया है, कोई हिकमत नहीं? नहीं इंशाल्लाह ताला आप तसल्ली रखें, आदली आएंगे हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम हैं और इंशाल्लाह। सर बताइए आज हाई कोर्ट वालों ने एक रैली का इनका किया वुकला ने, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे शरद अल मरवत के हवाले से? नहीं मैं मुझे अभी इसका पता नहीं आया, आज की हियरिंग का बताएंगे इलेक्शन कमीशन का बजाहिर अब क्या आपको लग रहा है फैसला कब तक आएगा और क्या फैसला मुमकिन आप देखिए? मैं अच्छी की उम्मीद कर सकता हूँ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया रात को ऑनलाइन? अभी मैं आपको ये बताता हूँ वन पॉइंट फोर मिलियन फेसबुक पे, 1.6 मिलियन यूट्यूब पे, 1 मिलियन ट्विटर। लेकिन नेट बंद हो रहा है, जा रहे हैं ये उस हवाले से बताइए। हाँ सर मुस्लिम लीग नवाज वाले कह रहे हैं आपने बूट लगा रखे थे उनकी मदद से ये व्यूअरशिप दी है, वो कह रहे हैं कि फेक व्यूज लिए गए हैं। उन्हें कहते तुम क्यों नहीं लेते इंटरनेट की बंदिश में क्या कहेंगे? देखिए ये नहीं मुनासिब है, ये पब्लिक की आवाज है, लोगों को करना चाहिए। और ये हम तो कहते हैं आज ये मुनाजिर पंजाब में हमारा सबके साथ मुहावरे को पाकिस्तान का पाकिस्तान किसी इदारे किसी पर्सन के खिलाफ नहीं बतौर चेयरमैन कैंपेन का सुशम गोरेली खान साहब आप जलसा कब करेंगे, जलसा ऑनलाइन जलसे के बाद आप फिजिकल जलसा कब करेंगे बताइएगा? बैरिस्टर साहब आज जो है वो आपका कोर्ट में जो है वो था हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो है ना वो केस की समाप्त थी, तो सर उसका क्या बना और शेर अफजल मरवत साहब निकल आएंगे? कमीशन से अभी निकला और मेरे पास शेर अफजल मरवत के लिए पीटीआई की बड़ी नहीं सी आवाज है, खुल के पीटीआई की आवाज नहीं उठ रही। शेर अफजल मरवत ने जिंदा किया पार्टी को, सर पीटीआई जो है ना पीटीआई ने हर फोरम पे उसकी आवाज उठाया, सबसे पहले मैंने किया है, बाकी ने भी किया, सारी लीडरशिप ने किया, ट्विटर भी किया, फेसबुक भी किया और हमने प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई धरना को कला सर आपकी तरफ से कोई कुछ भी ऐसा कोई के बारे में चाहिए सर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर दावा खान सर मौजूद थे दावे के बाद सपोज को चिंगन इलेक्शन कमीशन की कमर कार्रवाई से नहीं। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया।